हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। हमारी ब्रेस्ट फीडिंग की सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए फिर से आ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ हमारी सीरीज़ को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो बहुत सारी मदर्स फेस कर रही हैं और मैं चाहती हूँ कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, तो इसमें आप हमारी हेल्प ज़रूर करें। तो आज हमारे इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उस टाइम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने पास रखना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए कौन सी ऐसे एसेंशियल थिंग्स हैं जो ज़रूर से ज़रूर होंगी। अगर आपके पास ये चीज़ें रहेंगी तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं रहता है रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो में, ये जानते हैं कि आखिर हमें कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है जब हम एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर होते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं जिन्हें कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग का इशू नहीं है, जैसे कि लैचिंग का इशू या सप्लाई का इशू, तो इन दैट केस आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको पहनने के लिए कुछ चाहिए जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए स्पेशल आता है, जैसे कि गाउन्स आते हैं या फिर टॉप्स आते हैं या फिर शर्ट्स आती हैं जिनमें ऊपर की साइड जिप्स या बटन दिए हुए होते हैं और आप उन जिप्स या बटन को ओपन करके आराम से अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। और इस केस में आपको बार बार पूरी ड्रेस रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। तो ये इस तरीके की ड्रेसेस आराम से आपको आपके लोकल स्टोर पर भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन स्टोर्स पर भी मिल जाएगी, तो आप इन्हें ज़रूर चेकआउट करें। इनमें से कुछ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आती है तो आप वो ले भी सकते हैं। दूसरा, जब आप नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, इन दैट केस जब बेबी छोटा होता है तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए स्पेशल पिलोज आती हैं तो आप उन पिलोज का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी पिलोज बहुत ही लार्ज साइज़ की राउंडेड पिलो होती है, सी शेप की जनरली, तो आप वो अपने शोल्डर पे अटैच करते हैं और वहाँ पे उस फीडिंग पिलो के ऊपर बेबी को रखते हैं और आराम से आप बेबी को ब्रेस्ट के पास लाके आराम से फीड करा सकते हैं। इस फीडिंग पिलो की हेल्प से आपके बेबी को जनरली लैचिंग के इशू नहीं होते हैं और उसको काफ़ी इजी एक्सपीरियंस होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, और इस केस में आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली ब्रेस्ट फीड कर पाते हैं। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट फीडिंग पिलो नहीं लेना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको सिंपल कुछ ब्लैंकेट का यूज़ करना चाहिए और उस ब्लैंकेट के थ्रू आपको बेबी को अपने ब्रेस्ट के पास लाना चाहिए। आपको झुक के ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए कि आप इतना झुक रहे हैं कि आपकी बॉडी में भी एक हो सकता है, यानी कि आपको बैक पेन हो सकता है या ऐसी कोई भी इश्यूज से आप अगर बचना चाहते हैं तो आप झुक कर ब्रेस्ट फीड ना कराएं या बेबी के पास जाने की कोशिश ना करें, बल्कि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट तक लाने की कोशिश करें। और इसीलिए आपको या तो ब्रेस्ट फीडिंग पिलो का यूज़ करना चाहिए और या तो फिर कुछ ब्लैंकेट्स या पिलोज का यूज़ करके आपको आराम से बेबी को अपने ब्रेस्ट तक लाना और फिर फीड कराना। जब बेबी छोटा होता है तो बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर आपको एक बिब भी ज़रूर रखना चाहिए और साथ ही साथ एक नैपकिन रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बेबीज ठीक से दूध पी नहीं पाते हैं और मिल्क बहुत ही ज़्यादा स्पिल करते हैं। और साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जब आप उन्हें बर्प कराते हैं तभी वो बर्प के साथ कुछ ना कुछ मिल्क स्पिल कर देते हैं, तो उसी केस में आपको एक तो नैपकिन की रिक्वायरमेंट रहती है, बर्प कराने के साथ आपको बर्पिंग क्लॉथ की रिक्वायरमेंट रहती है, और फीडिंग के टाइम पे आप बिब का यूज़ करते हैं तो बेबी की ड्रेस ख़राब नहीं होगी और अगर मौसम ठंडा है तो बार बार ड्रेस गीली नहीं होगी तो बेबी को ठंड भी नहीं लगेगी। तो इस केस में आपको बिब, नैपकिन और एक बर्प क्लॉथ ज़रूर रखना चाहिए। सपोज़ आप किसी पब्लिक प्लेस में ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या फिर आपके घर में कोई रिलेटिव्स आए हुए जिनके सामने ब्रेस्ट फीड कराने में कंफर्टेबल नहीं है, तो इन दैट केस अगर आपके पास ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कोई एप्रन रहेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपको ब्रेस्ट फीड कराने में, आप अगर पब्लिक प्लेस में है तो भी, और साथ ही साथ आप नॉर्मली किसी रिलेटिव के सामने भी फीड करा सकते हैं, क्योंकि बार बार आप किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप रूम छोड़ के जाए या फिर ऐसा ही कुछ, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप पे भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। इसीलिए आप अगर एक एप्रन रखते हैं तो वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ही अच्छे एप्रन्स अवेलेबल है मार्केट में, आप मार्केट में भी चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन स्टोर्स में भी चेक कर सकते हैं। जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी तो उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
अगर आप एप्रन नहीं लेना चाहते या आपके पास एप्रन अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस आप किसी बड़े से शॉल को या दुपट्टे को भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक एप्रन रहेगा तो वो आपको ज़्यादा सही रहेगा और वो आपको ईजी एंड हैंडी रहता है, वो आप कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो आप शॉल या दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एप्रन आपको ज़्यादा ईजी रहता है। दूसरी कैटेगरी रहती है जब आप बेबी को फीड कराते हैं, यानी कि जब आप बेबी को फीड कराते हैं तो किस चीज़ के थ्रू फीड कराना चाहते हैं। सपोज़ आप डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं और बेबी किसी ना किसी रीज़न की वजह से ब्रेस्ट फीड करने में कैपेबल नहीं है, तो इस केस में आपको बेबी को दूसरे तरीके से फीड कराना पड़ेगा। जैसे कि आप हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके उसको स्पून के थ्रू फीड कराना चाहते हैं, या बोन और स्पून के थ्रू फीड कराना चाहते हैं, या फिर आप उसको किसी पालड़ा के थ्रू फीड कराना चाहते हैं, या फिर आप फीडिंग बॉटल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो फीडिंग बॉटल्स आपको कैसे चूज़ करनी है अपने बेबी के लिए, उस पर हमारा एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे भी प्लीज़ चेकआउट करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर कार्ड में भी मिल जाएगा। कुछ केस में ऐसा होता है कि बेबी डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, लाइक आपके ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज के हैं, या फिर आपके ब्रेस्ट में निप्पल्स इन्वर्टेड हैं, या फिर निप्पल्स का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इन सारे ही केसेस में बेबी डायरेक्ट लैच नहीं कर पा रहा होता है, तो इन केसेस में आपको बेबी को फीड कराने के लिए एक ब्रेस्ट फील्ड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो ये भी मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल रहती है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर या फिर ऑनलाइन स्टोर पर भी बहुत ही ईजिली मिल जाएगी, और ये भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जनरली लोगों को नहीं पता होता है, तो इन केसेस में भी आपको ब्रेस्ट शील्ड की हेल्प लेनी चाहिए और बेबी को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड भी करा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है बेबी के ब्रेस्ट मिल्क को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि बेबी के ब्रेस्ट मिल्क को निकालना कैसे। अगर आप मान लीजिए बेबी को ब्रेस्ट फीड डायरेक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो उस केस में आप या तो हैंड एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो आप पंप का यूज़ कर सकते हैं। तो पंप आपको दो तरीके के मिलते हैं, एक होता है मैनुअल ब्रेस्ट पंप और एक होता है इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप। तो मैनुअल ब्रेस्ट पंप उसमें किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और वो बहुत ही स्मॉल इन साइज़ होता है, जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। तो आप मैनुअल ब्रेस्ट पंप को भी यूज़ कर सकते हैं और या तो फिर आप इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही जल्दी और ज़्यादा मिल्क एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप इन दोनों ऑप्शंस को भी कंसिडर करें और ये भी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। साथ ही साथ ब्रेस्ट पंप की हेल्प से आप मिल्क सप्लाई को रेगुलेट भी कर सकते हैं, तो आप ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें कि आप एक अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश कर पाएँ। जब मैं ब्रेस्ट पंप की बात करती हूँ, तो उस केस में मैंने पर्सनली यूज़ किया है फिलिप्स सेवन का कंफर्ट ब्रेस्ट पंप, और ये ब्रेस्ट पंप काफ़ी इजी है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो कि आप भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, और आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। ब्रेस्ट पंप में अगर आप मैनुअल ब्रेस्ट पंप की बात करते हैं, तो उसमें आपको फिलिप्स सेवन का ब्रेस्ट पंप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और साथ ही साथ इसकी सक्शन पावर भी बहुत अच्छी है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल और एक कॉम्पैक्ट साइज़ में आता है, और ये लाइट वेट भी है और स्मॉल इन साइज़ है, तो आप कहीं भी इजीली इसे कैरी भी कर सकते हैं और इजी टू क्लीन भी है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसे आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा और साथ ही साथ कुछ ऑनलाइन स्टोर से भी मिल जाएगा, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है मैनुअल ब्रेस्ट पंप के लिए एक पिजन का ब्रेस्ट पंप। आप पिजन का भी ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकते हैं, उसका सक्शन पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हाँ साइज़ उसका थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, बट एक गुड ऑप्शन है अगर आप बाकी ब्रेस्ट पंप को देखते हैं, और जो कि मैनुअल ब्रेस्ट पंप में जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें सबसे अच्छे यही दो ब्रेस्ट पंप है जो कि मैंने पर्सनली यूज़ भी किए हुए हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, आप उनके भी लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप को देखते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मैडेला और स्पेक्ट्रा। तो अगर आप चाहें तो मैडेला और स्पेक्ट्रा के भी ऑप्शंस चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ब्रेस्ट पंप में इलेक्ट्रिकल ऑप्शंस चूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पावर और मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल ड्रिवन होते हैं, तो आपको बहुत ही कम एफर्ट लगाने के साथ ज़्यादा मिल्क एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। मैडेला और स्पेक्ट्रा के साथ ही फिलिप्स सेवन के भी इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, इनके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। जब आप बेबी को फीड करा रहे हैं या फिर आप एक ब्रेस्ट पे पंप कर रहे हैं, उस टाइम पे जनरली ये होता है कि दूसरे साइड में आपका ब्रेस्ट मिल्क ऑटोमेटिकली लेट डाउन होने लगता है या ऑटोमेटिकली बाहर आने लग जाता है, तो इन दैट केस आप एक मिल्क कलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ये मिल्क कलेक्टर सिंपल सिलिकॉन बेस्ड होते हैं और इसको आप अपने ब्रेस्ट पे अटैच कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली जो भी मिल्क गिर रहा है वो इसमें स्टोर हो जाता है, और बाद में आप इसे निकाल कर
स्टोर भी कर सकते हैं और बेबी को नेक्स्ट फीडिंग सेशन में भी दे सकते हैं, या आप लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर कर सकते हैं इन योर फ्रिज और योर फ्रीजर। और इन ब्रेस्ट मिल्क कलेक्टर के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक हाका का मिल्क कलेक्टर, और दूसरा आपको लव लैब का भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको पिजन का भी मिल्क कलेक्टर मिल जाएगा। ये तीनों ही ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं और इनसे कोई भी कंप्लेंट आपको नहीं रहेगी, और ये आपके वेस्ट होते हुए ब्रेस्ट मिल्क को सेव करने में, साथ ही साथ आपकी ड्रेस को सेव करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सपोज आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो या फिर आप ऑफिस में हैं, और जनरली ये होता है कि जब आपको बेबी को फीड कराना है उस टाइम के आसपास, या आपका बेबी जब भी भूखा होता है 3 से 4 घंटे के अंदर, ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट इतने ज़्यादा फुल हो जाते हैं कि कई बार ब्रेस्ट मिल्क लीक भी हो जाता है। तो इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, उससे बचने के लिए आप ब्रेस्ट पैड्स का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में कई तरीके के ब्रेस्ट पैड्स अवेलेबल हैं, इनमें से कई डिस्पोजेबल होते हैं, कई रीयूजेबल भी होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी पसंद है वो आप पिकआउट कर सकते हैं। ब्रेस्ट पैड्स के साथ ही साथ कुछ ब्रेस्ट डिस्क भी आती हैं, उनमें क्या होता है कि अगर आपका मिल्क लेट डाउन होता है या वेस्ट हो रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें कलेक्ट हो जाता है, और आपको वो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट पैड का यूज़ करते हैं तो वो मिल्क आप रीयूज़ नहीं कर सकते, बट अगर आप ब्रेस्ट डिस्क का यूज़ करते हैं तो जितना भी अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क लीक हो रहा है वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, और आप उसको निकाल कर आराम से स्टोर कर सकते हैं या बेबी को फीड भी करा सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क को पंप करने के बाद नेक्स्ट है कि आप उसको स्टोर कैसे करते हैं। तो स्टोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है कि आप ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए स्पेशल बैग्स का यूज़ करें, या आप बॉटल्स का यूज़ करें, या फिर आप ग्लास बॉटल्स का यूज़ करें। तो इन सभी को आप बिल्कुल स्पेसिफिक चूज़ करें जो कि ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए आते हैं, और जनरली जो BPA फ्री रहते हैं और साथ ही साथ प्री स्टेरलाइज्ड होते हैं। अगर आप बैग्स लेते हैं तो वो प्री स्टेरलाइज्ड होते हैं, और उनके ऊपर या तो स्क्रू आता है या तो फिर ऊपर लॉक एंड सील अरेंजमेंट होता है। इस तरीके के ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग्स यूज़ कर सकते हैं, या BPA फ्री प्लास्टिक से बनी हुई बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि फूड ग्रेड क्वालिटी की होती है, और अदरवाइज आप कुछ ग्लास बॉटल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ही तरीके की चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरीके के नॉर्मल यूटेंसिल को ना यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ऐसे यूज़ करते हैं तो वो हो सकता है कुछ टॉक्सिक केमिकल्स आपके बेबी के ब्रेस्ट मिल्क में रिलीज कर दें, और वो बिल्कुल भी सेफ ऑप्शन नहीं है बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए। कुछ ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग्स और साथ ही साथ कुछ बॉटल्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उन्हें भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। सपोज़ आप किसी लंबी ट्रिप पे जाने वाले हैं या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, तो इन दैट केस अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को पंप करते हैं तो उस केस में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको किसी ठंडी प्लेस पे स्टोर करें, और उस तरीके की ठंडी प्लेस हो सकता है कोई रेफ्रिजरेटर हो, अगर आपके पास कोई मिनी रेफ्रिजरेटर है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो फिर आप कुछ कूलिंग बैग्स आते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अमेजोन पे भी बहुत ही अच्छे कूलिंग बैग्स अवेलेबल हैं, मैंने खुद भी यूज़ किया है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्गर आवर्स के लिए घर से बाहर हैं और मिल्क को पंप करते हैं, 8 to 9 hours मान लीजिए आप बाहर हैं ऑफिस जा रहे हैं और आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो स्पॉइल हो सकता है, इसीलिए आप अपने साथ इस तरीके के बैग को रखें। इसमें सिलिकॉन बेस्ड कूलिंग एजेंट्स होते हैं, अगर आप फ्रिज में कूलिंग एजेंट को रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, और साथ ही साथ जब आप उसको बैग में रखते हैं और मिल्क को उसके साथ रखते हैं तो वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है और मिल्क स्पॉइल नहीं होता। साथ ही साथ इसमें फ्रीजिंग का भी ऑप्शन रहता है, अगर आप फ्रोजन फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। हाँ, ये आपके मिल्क को काफ़ी अच्छे टाइम के लिए, सपोज 8 to 9 hours के लिए अच्छे से सेफ रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, और घर आके आप बेबी को वो ब्रेस्ट मिल्क फीड करा सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है। तो फ्रेंड्स, बस यही थी वो एसेंशियल चीज़ें जो आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती हैं, आप बिल्कुल इन्हें मिस नहीं कर सकते हैं जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। लगभग एक बेबी को 2 years की एज तक आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, तो इसीलिए इनमें से आप गुड क्वालिटी की इन सारी चीज़ों में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके बेबी की बेसिक लाइफ के लिए बेसिक इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें अच्छी क्वालिटी की ही चीज़ें लें तो ही वो अच्छा रहता है और आपके बेबी की लाइफ के लिए भी अच्छा रहता है, और इसमें आप बिल्कुल भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। इन सारी ही चीज़ों के साथ अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो अगर आप बॉटल्स या फिर पंप का यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको इन बॉटल्स और पंप की सारी ही एक्सेसरीज़ को बहुत ही अच्छे से साफ़ करना है, और साथ ही साथ साफ़ करने के साथ अब इन्हें स्टरलाइज भी ज़रूर करें। साफ़ करने के लिए आप बेबी के लिए सेफ़ डिटर्जेंट्स आते हैं, आप उन्हीं का यूज़ करें, और साथ ही साथ जब आप स्टरलाइज़ कर रहे हैं तो आप किसी अच्छे स्टरलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल वाटर में बॉयल करके भी उन्हें स्टरलाइज़ कर सकते हैं।
स्टरलाइजर में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फिलिप्स सेवन का, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप बेबी को फीड कराने जा रहे हैं तो आपको एक बॉटल वार्मर साथ में रखना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो आप ऐसे बॉटल वार्मर पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बॉटल वार्मर नहीं लेना चाहते हैं तो आप बेबी को प्रेस मिल्क हीट करके कभी भी नहीं दें, डायरेक्ट हीट पर पका के मत दें। आप उसको वार्म करने के लिए सिंपल एक गर्म पानी का एक बोल लें और उसमें आप बॉटल को डाल दें और वो आराम से थोड़ा सा वार्म हो जाएगा और फिर आप बेबी को फीड करा सकते हैं। ये सारे एसेंशियल्स अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग की जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहेगी और आपके 2 साल बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। आपको जनरली जो फेस किए जाने वाले इश्यूज हैं वो भी नहीं होते हैं और आपको कभी भी मिल्क की कमी भी नहीं होगी और ऐसी भी टेंशन नहीं रहेगी कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, या आपको मान लीजिए बेबी ब्रेस्ट लैच नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या करना है, जब आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे उस समय अगर ब्रेस्ट लीक कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर अपने पास आप रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं और आपके पूरे ब्रेस्ट फीडिंग के एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देती हैं। तो मैं होप करती हूँ कि मैंने आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इस तरीके की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ हमारी ब्रेस्ट फीडिंग की पूरी सीरीज़ है, अगर आप पूरा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप पूरी सीरीज़ को ज़रूर चेकआउट करें, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ हमारे चैनल पर बेबी केयर, डिलीवरी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन सारे ही वीडियोस को चेक करें, ये आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को और बेबी केयर की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा इजी बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे पुराने वीडियोज़ देखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बेबी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।